Daikawa, eco-friendly appliances. The new name for trust and reliability is Daikawa. नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, आप सभी दर्शकों का सिल्वासा न्यूज लाइन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, जिस तरह से नवरात्रि का आगाज हुआ है उसके बाद से हवेली ग्राउंड पर रोटरी क्लब द्वारा जिस तरह से आयोजन हुआ है नवरात्रि का, तमाम आप पीछे देख सकते हैं, अभी ब्रेक मिला है और ब्रेक में ही सभी लोग जो है रेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ आयोजकों की टीम और तमाम जो लोग इसमें सपोर्टिंग में है वो नजर आ रहे हैं, जो बताएंगे कि आखिर किस तरह से नवरात्रि में बड़ा ही धूम जो है वो मचाया हुआ है रोटरी क्लब सिलवासा ने। अब किस तरह से, खास तौर पर जिस तरह से विरल भाई आप लोग यहाँ पर करते हैं, लगातार काफी वर्षों से इस चीज में हिस्सा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं इस वर्ष और भी भव्य रूप से इसको अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया है, क्या कहेंगे? रोटरी क्लब ऑफ दादरा नगर हवेली और पूरी टीम का यही एक उद्देश्य रहता है कि हम ये जो भी सेटअप करते हैं वो खिलाड़ियों को मद्देनजर ध्यान में रख के करते हैं। रोटरी क्लब ऑफ दादरा नगर कभी भी नो प्रॉफिट नो लॉस को सोचते हुए ही ये इवेंट करती है। हम लोगों ने पूरे खिलाड़ियों को कैसे सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड कर सके, क्योंकि हवामान डिपार्ट की तरफ से इस बार आगाही थी कि इस बार बारिश होगी और आपने देखा भी होगा कि एक दिन जोरों शोरों से बारिश भी हुई, तो उसको भी हम लोगों को इधर कोई फर्क नहीं गिरा और हम लोगों ने वाटर प्रूफ डोम का यहाँ पे आयोजन किया है और साथ ही में एक कुशन फ्लोरिंग का भी आयोजन किया है। ऐसे भव्य आयोजन के साथ हम लोग आपके बीच में आते हैं। जी, कहीं ना कहीं इस वक्त जो आप लोगों ने अपना प्रेसिडेंट जो है राजन सोलंकी जी को बनाया, उसके बाद किस तरह का यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि सभी लोग तो एक जल से बढ़कर एक कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्लान करते हैं, राजन सोलंकी जी के आने से किस तरह का बदलाव नजर आ रहा है? राजन सिंह सोलंकी जो है वो सोशल वर्क में हमेशा ही आगे रहते हैं, हमारे रोटरी के पुराने साथी हैं, 2015 से रोटरी के साथ जुड़े हैं और उनकी हमेशा ये भावना रही है कि आजू बाजू के विस्तार में और दादरा नगर हवेली में कैसे समाज सेवा के लिए तत्पर रहे। तो वैसे विजन के साथ जब वो प्रेसिडेंट हमारे बीच में आए तो उसका हमें अलग ही एक उत्साह और लाभ मिला। सलीम भाई, खास तौर पर अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक दुनिया की, तो कहीं ना कहीं आपका नाम सामने आ जाता है कि भाई अगर सामान लेना हो तो पहुंचा जाए एसएस में, तो क्या कहेंगे एसएस के बाद अब सलीम मीरानी किस तरह से आ रहे हैं इस चीज में सामने? पहले तो मैं रोटरी क्लब ऑफ दादरा नगर हवेली को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इतना बहुत अच्छा बड़ा काम किया है। बस दिल से इच्छा थी कि अभी पूरे टीम को और रोटरी क्लब को मुझे सपोर्ट करना है, तो इसी तरह से हम लोग पूरी तरह से हमेशा हम रोटरी क्लब को सपोर्ट करते रहेंगे। जी राजन भाई, खास तौर पर जैसे कि अभी विरल भाई ने बताया, तमाम आयोजकों को देखने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक अलग ही जोश, अलग ही उमंग के साथ रोटरी इस बार मैदान में उतरी थी, जिसको लेकर इस बार देखा भी जा रहा है कि भव्य पंडाल और तमाम चीजें तो लगातार होती है, लेकिन स्पॉन्सरों की धमाल से एंट्री हुई और सभी लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं, खासतौर पर जो महिलाएं भारी संख्या में यहाँ पर आती है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरह से आप लोग मैदान में उतरे हैं, क्या कहेंगे? माता का जगराता तो साथ में होता ही है, लेकिन साथ ही साथ भक्ति के साथ जो तमाम लोग यहाँ पर बेखौफ आकर आधे रात तक गरबा कर सकते हैं, इसका भी श्रेय कहीं ना कहीं रोटरी को जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आप पूरे डॉम के अंदर घूम के देखेंगे तो चारों ओर सीसीटीवी कैमरा, बाहर हमने फायर एक्सटिंग्विशर और फायर की गाड़ी रखी हुई है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। इस आयोजन के अंदर जितनी भी सुविधाएं हम खिलाड़ियों को प्रदान कर सकते थे वो सारी सुविधाएं हमने दी है। साथ ही साथ जहां पे आप ये ना कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे सिर्फ नवरात्रि का मकसद नहीं रहता, रोटरी क्लब जिसे आप जानते होंगे कि हमेशा सेवाभावी रही है और लोगों के हित के लिए कार्यरत रहती है। रोटरी क्लब दादरा नगर हवेली पिछले कई सालों से कैंसर अर्ली डिटेक्शन के लिए मुहिम चला रही है और उसी के तहत इस इवेंट के माध्यम से जो भी फंड रेज होगा उस फंड के लिए उसे प्रॉपर तरीके से यूज करके जो हमारी मुहिम है उसको आगे बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं भक्ति के साथ ये जो मुहिम में एक अलग माहौल बना देता है, कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता होगा कि रोटरी क्लब जब इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करता है तो उसमें बहुत सारे फंड आते होंगे, कहीं बहुत सारे जो है स्पॉन्सर्स आते हैं, लेकिन ऐसे में राजन सोलंकी जी ने इस चीज से पर्दा उठाते हुए ये भी कहा कि किस तरह वो नेक कार्यों में भी इस चीज को लेकर गुजरती है और उनकी पूरी टीम, ये नहीं कि राजन सोलंकी, इनके साथ पूरी टीम जो है, इनके पर्दे के पीछे की टीम जो है वो सब किस तरह से कार्य करती है उस पर कहीं ना कहीं नजर दिलाना। तो राजन जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, रात के नवरात्रि की बात अगर
की जाए तो रात्रि में ही किया जाता है और भारी संख्या में लोग घर से बाहर निकलते हैं। त्यौहार का माहौल है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के लिए क्या कहेंगे, पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन का कैसा सहयोग आप लोगों को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिला समाहर्ता प्रियांक किशोर जी का धन्यवाद कहूंगा, हमारे एसपी साहब का धन्यवाद कहूंगा, जिन्होंने पूरी तरह से हमें सहयोग दिया है और सब इन दिनों हर तरह से पुलिस प्रशासन, पुलिस की गाड़ियां कंटिन्यूसली रोड पे घूम रही है और हमारे जो भी खिलैया है वो घर तक सेफली रात को पहुंच सके, उसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। यानी बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि पूरे प्रदेश में कहीं भी आप जाएंगे पुलिस की प्रशासन की गाड़ियां आपको हर 5 मिनट्स में आपको राउंड मारते हुए नजर आएगी। ऐसे में मिलन भाई, खास तौर पर आप लोगों की टीम कहीं ना कहीं यहां पर जो नजर आ रही है वो गजब का साउंड है। अगर आप डोम के अंदर एंटर करते हैं उसके बाद से साउंड जब आपके कान में पड़ेगी तो कहीं ना कहीं लोगों का जो आदमी का भाव है, तरंग जो है, खुद ब खुद वो जो है गरबा के रूप में बाहर आने लगता है। क्या कहेंगे? पूरी दादरा नगर हवेली की जनता ये 9 दिन का रोटरी क्लब दादरा नगर हवेली जो आयोजन करती है उसके लिए उनको इंतजार रहता है और पिछले 3 साल से सक्सेसफुल ये इवेंट हम कर रहे हैं, उसके लिए पूरी जनता का भी हमको सहयोग मिलता है और हमारे स्पॉन्सर और सभी का सहयोग रहता है, प्रशासन से लेकर हर व्यक्ति का, और हम ये आयोजन लोगों के लिए करते हैं। ये थे तमाम लोग जिन्होंने बताया कि आखिर रोटरी किस तरह से ये सारी चीजें बेहतर ढंग से यहाँ पर कर रही है। अलग अलग चीजों पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो प्रमुख बिल्डर नागजुआ जो हमें भी लगातार इस तरह से सपोर्ट करती रहती है, ट्रॉपिकल ग्रीन एंड तमाम वो चीजें जो SS और तमाम जो चीजें हैं वो सभी चीज यहाँ पर आपको नजर आएगी, ताकि इस चीज को बेहतर ढंग से जो है पूरा करने के लिए स्पॉन्सर्स भी जो है भारी भरकम इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं हर चीजों पर यह ध्यान दी गई है कि नवरात्रि को इसे सक्सेसफुल जो है बनाया जाए, साथ ही माँ जगदम्बा की आराधना भी जो है देर रात तक यहाँ पर जो है बड़े ही आसानी के साथ बहुत ही शालीनता पूर्वक जो है लोग यहाँ पर कर सकते हैं। खास तौर पर सिक्योरिटी पर्पज के मुताबिक कैमरे CCTV फुटेज जो है वो लगाए गए हैं, पुलिस प्रशासन स्थानीय प्रशासन जो है वो भी इसमें काफी अच्छा सपोर्ट हर जगह कर रही है, उसी के तहत यहाँ भी जो है हर तरह से इस पर ध्यान दिया गया है। कैमरा पर्सन अमित के साथ हिम्मत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइव, सिलवासा।